नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो क्या गुरुवार के व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते, इस वीडियो में दी जाएगी आपको पूरी जानकारी। तो गुरुवार के व्रत में पीला भोजन किया जाता है और ख़ास तौर पर कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं और जब शाम के समय व्रत खोलते हैं, खाना खाते हैं जब व्रत का, तो उस समय क्या सभी लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या व्रत में हम सेंधा नमक खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। दिन में भी कई लोग व्रत का भोजन बनाते हैं, जैसे आलू किया या फिर पीला भोजन कुछ भी बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या सेंधा नमक डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। तो व्रत के अंदर खास तौर पे ये है कि व्रत में जब भी भोजन बनाया जाता है तो गुरुवार के व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जो सेंधा नमक होता है, किसी भी तरह का नमक, चाहे काला नमक, चाहे सेंधा नमक, चाहे घर का को खाने वाला नमक हो, कोई सा भी नमक हो, उसमें सेंधा नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। यह खास तौर पे सेंधा नमक को काफ़ी लोग व्रत में काम में लेते हैं, लेकिन जो व्रत में किसी भी तरह का नमक है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उससे हमारा व्रत टूट भी जाता है। काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि सेंधा नमक से व्रत खराब नहीं होता, लेकिन सेंधा नमक से व्रत खराब होता है, व्रत टूट जाता है। काफ़ी लोग, हम भी पहले खाते थे, लेकिन अब जब से पता चला है कि सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए, तब से सेंधा नमक का प्रयोग करना बंद कर दिया है। पीला भोजन बनाना चाहिए और व्रत में जब आप भोजन करें तो शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर ले, और दिन में बार बार मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए इस दिन और कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कथा सुनने के बाद में ही व्रत खोलना चाहिए। ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।